Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video we are going to see the process of entrepreneurship development. हम लोग ने इसके पहले के वीडियो में ट्रेनिंग पार्ट ऑलरेडी देखा हुआ है. अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, दैट इज एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज ईडीपी. सो ईडीपी को भी अगर आप देखोगे तो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सो आज हम लोग ईडीपी का पहला पार्ट पढ़ेंगे और बाकी के जो दो पार्ट है हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं. So we'll start with EDP पहले कि EDP क्या होता है करके. Now here you can see the meaning of EDP or the definition of EDP. It is a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurship motive. इसका मतलब क्या है कि EDP जो है वो एक person के अंदर जो भी entrepreneurship purpose है, उसको business करने का जो उसका motive है, वो strengthen करने में या उसको flourish करने में help करता है. मतलब अगर suppose आपकी business करने की इच्छा है, आपका मोटिव है कि आपको बिजनेस अपना शुरू करना है, तो वो पर्पज जो है वो फुलफिल करने का काम जो होता है वो ईडीपी के थ्रू होता है. ईडीपी के अंदर आप लोगों को कुछ स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ कैपेबिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो खुद का स्टार्ट कर सकते हो. तो ईडीपी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत लोगों को बिजनेस करने के लिए एनकरेज किया जाता है, दोज़ हू आर इंटरेस्टेड इनटू ऑल सच एक्टिविटीज. तो यहाँ पे फोटोज के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्कूल गर्ल्स है, तो उनको ये जो पर्सन है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको मतलब बता रहे हैं चीजों के कि कैसे वो लोग बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज वगैरह हो सकती है. सो एवरीथिंग दे आर एक्सप्लेनिंग देम. तो ऐसे सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो लोग एनकरेज हो और वो लोग वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाएंगे. ना आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि ईडीपी के अंदर क्या क्या होता है बेसिकली. So EDP में you have to identify the people with the latent entrepreneurship traits. इसका मतलब क्या है कि EDP में आप लोगों को कुछ लोगों को identify करना पड़ता है. कौन से लोगों को identify करना पड़ता है? तो latent entrepreneurship trait होने वाले लोग. Now latent का मतलब होता है hidden और traits का मतलब होता है quality. So जिनके अंदर hidden quality है business करने की, उनको तुम लोगों को पहले find out करना है. जैसे कि आप इसको अगर पब्लिसिटी करोगे तो डेफिनेटली जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग क्या करेंगे, आपके यहाँ पे अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल हु हैव दोस क्वालिटीज ऑफ स्टार्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप. उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है कि वो लोग क्या करें, बिजनेस टेकअप करें या बिजनेस शुरू करें. उसके लिए आप लोगों को उनको मोटिवेट करना है. ऐसे जैसे यहाँ पे ये लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किए जा रहे हैं इसके थ्रू, या कोई भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो सकते हैं, वर्कशॉप वगैरह हो सकते हैं, उसके थ्रू आप लोगों को क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यू कैन प्रोवाइड देम ट्रेनिंग कि बिजनेस को कैसे मैनेज करना है. सो ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जा सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्टेड लोगों को बुलाया जा सकता है और उनको बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, जैसे प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसका पैकेजिंग कैसे करना है, उसका प्राइसिंग कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एवरीथिंग यू आर टोल्ड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन. और फिर लास्ट में क्या होता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि बिजनेस को कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो. सो ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपके अंदर का जो बिजनेस शुरू करने का जो मोटिव है उसको ये क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है. आपके अंदर वो स्किल्स वगैरह जो होते हैं या जो कैपेबिलिटीज होते हैं वो इंकल्केट की जाती है ताकि आप आपका खुद का बिजनेस शुरू करें. और उसमें ये सब चीजें की जाती है कि जहाँ पे पहले लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन बिजनेस करना चाहता है, फिर उनको मोटिवेट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है और गाइड किया जाता है. सो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ईडीपी जो है वो गुजरात में स्टार्ट हुआ था. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गुजरात और कब इंट्रोड्यूस किया था, 1970 में. मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है. और ये जो प्रोग्राम है ईडीपी, इसको स्पॉन्सर किया था गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट कॉर्पोरेशन इसने. अभी ईडीपी जो है ये मैकलेलैंड जो है उसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. मैकलेलैंड का अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अंदर उन्होंने तीन नीड के बारे में बताया कि इंसान की तीन नीड होती है. पहला होता है नीड फॉर अचीवमेंट, यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट सम पावर इन योर लाइफ, एंड यू वॉन्ट टू डेवलप योर रिलेशनशिप विद द पीपल. एस मैकलेलैंड की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, उसके बेस पे आपका ये ईडीपी जो है वो उसके ऊपर आधारित है. और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे गया था, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि लोगों के क्या क्या नीड्स है. तो कुछ लोगों के अचीवमेंट नीड्स है, कुछ लोगों की पावर होना चाहिए उनके पास ऐसी नीड है, कुछ लोगों को अच्छे रिलेशन डेवलप करना है. तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ये प्रोग्राम के थ्रू. नेक्स्ट अभी हम लोग को लिखना है कि ईडीपी के अंदर गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए या कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो ये पहला जो प्रोग्राम है वो हम लोग ये वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बाकी के दो जो प्रोग्राम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने.
करने वाले हैं। सो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। अभी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट का पहला इनिशिएटिव हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो विल सी व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया। नाउ स्टार्टअप इंडिया के अंडर गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आईमेड प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है उनको हेल्प किया जाता है कि वो लोग अपने खुद के मोबाइल एप्स स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है, जो नए नए बिजनेसेस होते हैं। सो कुछ एक ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप किया गया था जहां पे बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को कि वो लोग अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपना मार्केटिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट के बेचने के लिए। एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि गवर्नमेंट ने आईमेड प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर एक मोबाइल ऐप के अंदर अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं और ऑलमोस्ट 10 लाख बिजनेसमैन जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं वहां पे। नाउ ये स्टार्टअप के अंदर मुद्रा बैंक स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अभी ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या किया जाता है कि जो भी ये स्टार्टअप शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, उनको माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। आई रिपीट अगेन, जो भी ये मोबाइल ऐप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं उसमें जो रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स है उनको यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और ये जो फाइनेंस दिया जाता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही कम होता है, वेरी लो इंटरेस्ट इज चार्ज टू दिस पीपल। एंड यहाँ पे क्या हो रहा था, ये लोन किसको दिया जाता है, जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो लो है। ऑब्वियसली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको ये लोन नहीं दिया जाएगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए बट उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा लो है, उनको ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस पर्टिकुलर। ना आगे हम लोग देखते हैं, ये जो स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट है या प्रोग्राम है, ये स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और ये लॉन्च हुआ था 2016 में। So it was initiative of the government of India and it was launched in 2016. और इसका obviously headquarter जो इंडिया में है, because इंडिया में इसको शुरू किया था हमारे यहाँ पे। और ये जो initiative है या ये जो program है, इसको 10 साल से भी कम समय लगा है, मतलब ये अभी recently start हुआ है ऐसा आप बोल सकते हो। So 10 साल भी उसको complete नहीं हुए अभी भी। इसका turnover जो है वो 100 करोड़ से कम है, मतलब ये जो app है इसके through जो लोग businessmen registered है उनका बिजनेस का जो टर्नओवर है या उनके बिजनेस का जो सेलिंग है एनुअल, वो 100 करोड़ से थोड़ा कम है। नेक्स्ट, ये स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस स्टार्टअप इंडिया इज कि इंडिया को उनको बनाना है जॉब क्रिएटर, मतलब हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ने चाहिए ताकि हम लोगों को जॉब ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारी इमेज कैसी है, जॉब सीकर की है। तो गवर्नमेंट चाहता है कि हम लोग जॉब क्रिएटर बने, ना कि हम लोग जॉब सीकर बने। जॉब सीकर मतलब क्या, जॉब ढूंढने वाले, और जॉब क्रिएटर मतलब क्या, जॉब देने वाले। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्टार्टअप इंडिया का यहाँ पे, कि गवर्नमेंट वांटेड कि इंडिया जो है वो जॉब क्रिएटर होना चाहिए, ना कि जॉब सीकर होना चाहिए। दैट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टअप इंडिया। नाउ ये जो स्टार्टअप इंडिया है इसके अंडर क्या किया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाता है, मतलब बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। इनोवेशन मतलब क्या, आप कुछ भी नए आइडियाज वगैरह बिजनेस के ला सकते हैं, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस स्टार्टअप इंडिया। नाउ ये स्टार्टअप इंडिया में क्या किया जाता है, दे क्रिएट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जो कंड्यूसिव होता है। कंड्यूसिव मतलब क्या, सपोर्टिव होता है। किसके लिए सपोर्टिव होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, मतलब नए बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, प्रॉपर सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि ज्यादा ज्यादा लोग क्या हो जाए, यहाँ पे एनकरेज हो जाए खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। सो दैट वाज द पर्पस। और यहाँ पे एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्टार्टअप इंडिया क्या होगा, कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। ये इसका एंड जो ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप, या फिर इसके पीछे का जो पर्पस है वो ये है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए। सो यहाँ पे अलग अलग चीजें मैंने डिस्कस की आप लोगों के साथ कि स्टार्टअप इंडिया के बारे में, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं, जो मेन मेन चीजें उसके अंदर की आपको याद रखनी है। नाउ स्टार्टअप इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन प्लान बनाया हुआ है, जो आगे 3 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें सबसे पहले है सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। नाउ सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग में आप लोगों को क्या लिखना है, कि जो भी कंप्लायंसेस होते हैं, जो भी रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स वगैरह होते हैं, उसका प्रोसीजर जो है, मतलब जैसे आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है
और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप देखोगे या उसका जो प्रोसीजर वगैरह होता है वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से इजी कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ा हिच जो होता है अपने यहाँ पे या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का, कि ये पेपर लाओ वो पेपर लाओ, ये प्रोसीजर करो वो प्रोसीजर करो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टार्टअप शुरू करने के या बिजनेसेस, नए बिजनेसेस शुरू करने का प्रोसीजर ही पूरा सिंप्लीफाइड कर दिया, इजी कर दिया, ताकि लोग ज्यादा मोटिवेट हो जाए बिजनेस करने के लिए। सेम तरीके से गवर्नमेंट ने वाइंडिंग अप के लिए भी क्या कर दिया, फास्ट ट्रैक बेसिस पे कर दिया। वाइंडिंग अप मतलब कि आप बिजनेस को अगर बंद करना चाहते हो तो फास्ट ट्रैक में, मतलब इजीली और क्विकली आप बिजनेस को बंद भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग में क्या याद रखना है, कि अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है या आपको स्टार्टअप को बंद भी करना है तो आप वो इजिली कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो। दूसरा, स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा इनडायरेक्टली, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था पहले स्लाइड के अंदर, जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको माइक्रो फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, कि आप आपका बिजनेस शुरू करो, आप आपका बिजनेस सेटअप करो उसके लिए। दूसरी चीज, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे रहा है कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन मतलब कि आपको कोई भी असेट बेचने की वजह से जो आपको प्रॉफिट मिलता है या जो भी इनकम टैक्स वगैरह आप भरते हो उसके अंदर आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे आपके क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स की बचत हो रही है, और जितना आपका टैक्स का बचत होगा उतना डेफिनेटली लोग क्या होंगे, एनकरेज होंगे बिजनेस करने के लिए। एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पे इंडस्ट्री और जो अकेडमिक्स है, मतलब जैसे कॉलेजेस वगैरह हो सकते हैं, वो लोग मिलके क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट देयर इंक्यूबेशन सेंटर। नाउ इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या होता है, कि हर एक कॉलेजेस में क्या होगा, वो लोग इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट करेंगे। वो इंक्यूबेशन सेंटर में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए, वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर। और फिर वो इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो बिजनेसमैन है उनको इनवाइट किया जा सकता है, और वो लोग क्या करेंगे, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे या बच्चों को मोटिवेट करेंगे, या बिजनेस की जो टिप्स वगैरह होती है वो बच्चों के साथ शेयर की जाएगी। इससे क्या होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो बिजनेस टेकअप करने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप। मतलब इंडस्ट्री और कॉलेजेस जो होते हैं या अकेडमिक जो होते हैं उनको हम लोग को क्या करना है, पार्टनरशिप कराना है, उनको हम लोग को एक लाना है, ताकि कॉलेज से ही बच्चों को क्या हो, वो जो बिजनेस का जो है वो ट्रेनिंग मिले। बिकॉज कॉलेजेस में हमारे यहाँ पे कैसे होता है, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाता है। सो अगर ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स अगर हम लोग कॉलेजेस में खोलेंगे तो वहाँ पे बच्चों को क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा कि वो लोग अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस वहाँ पे बिजनेसमैन को वगैरह इन्वाइट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग क्या करेंगे, अपने आइडियाज वगैरह शेयर करेंगे, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन सेंटर, कि एक ऐसा सेंटर जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जहाँ पे बिजनेसमैन वगैरह आके बच्चों को गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउ दे कैन सेट अप देयर ओन बिजनेस। तो वो सब चीजें यहाँ पे की जाती है इंडस्ट्री एंड अकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन के अंदर। यहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है और स्टार्टअप इंडिया क्या होता है। ना इसके पीछे का जो पर्पस अगर आप लोग देखोगे कि गवर्नमेंट इतना सब क्यों कर रहा है, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या है कि बहुत ही कम बिजनेसेस है, और कम बिजनेसेस होने की वजह से क्या होता है कि लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जॉब नहीं होने की वजह से बहुत सारे अपने यहाँ पे सोशल इश्यूज वगैरह होते हैं। सो ओनली पर्पस ऑफ गवर्नमेंट या फिर ओनली पर्पस ऑफ द स्कीम्स वगैरह स्टार्ट करने का ये है कि काफी सारे जो है बिजनेसेस स्टार्ट हो जाए, और बिजनेसेस अगर स्टार्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ होगा और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेंगे। सो अपने यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाएगा तो डेफिनेटली पॉवर्टी वगैरह या फिर आप लोग देखोगे क्राइम रेट वगैरह ये सब चीजें भी अपने आप कम होना शुरू हो जाएंगे और अपने कंट्री का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट वॉज द पर्पज हियर। अभी इसका जो दूसरा एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट के अंदर का गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो recommend my channel to your friends. See you in the next video.